आयुष स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने के बाद क्या आप अपनी क्लिनिक नहीं चलाना चाहते हैं? क्या बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस करने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसी हाई अर्निंग जॉब की जिसे आयुष स्ट्रीम से ग्रेजुएट कोई भी डॉक्टर कर सकता है। हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मेडिकोज मंत्रा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नॉन क्लिनिकल जॉब की जिसे आप बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस करने के बाद अपना करियर इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दूं ये एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। जी हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्क्राइबिंग की। इस वीडियो में वैसे चर्चा करनी थी कॉस्मेटोलॉजी पर, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं मेडिकल स्क्राइबिंग क्या होती है। मेडिकल स्क्राइबिंग के बारे में बहुत से लोगों को पहले से ही जानकारी होगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेडिकल स्क्राइबिंग के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो मेडिकल स्क्राइबिंग बेसिकली विकसित देशों के हेल्थ सिस्टम का पार्ट होता है, जैसा कि अमेरिका हो गया। इसमें करते क्या है कि पेशेंट के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी EHR पर, चाहे पेशेंट की डिजीज़ की हिस्ट्री हो, उसकी मेडिकल की कोई हिस्ट्री हो या ट्रीटमेंट की हिस्ट्री हो या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री हो, EHR के सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा एंट्री की जाती है उसमें, ताकि पेशेंट के डेटा को आसानी के साथ एनालाइज किया जा सके। और अगर पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ से डेटा को EHR के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा सके। EHR यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का पूरा अपना एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम पेशेंट के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। आपको बता दूं EHR में एंट्री वहाँ डॉक्टर्स नहीं करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत का काम होता है और इससे वो लोग कम OPD भी देख पाते हैं और खर्चीला भी होता है उन लोगों के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो लोग डेटा को इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे मेडिकल स्क्राइबिंग के माध्यम से EHR में एंट्री की जाती है। अब डेटा आता कैसे है, तो पेशेंट और फिजिशियन के बीच जो कन्वर्सेशन होती है उसको वो लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो में और वीडियो में और उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उस कन्वर्सेशन को सुन करके आपको उसी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें एंट्री करनी होती हैं। तो ये रहा थोड़ा सा शॉर्ट में मेडिकल स्क्राइबिंग के बारे में। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप चाहे BHMS हो या फिर BAMS हो या फिर BUMS हो, इवन BNYS भी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्क्राइबिंग के लिए आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो आपको एनाटॉमी आनी चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। आपको बता दें मेडिकल स्क्राइबिंग क्योंकि US हेल्थ सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसमें जॉब जो होती है वो आपकी नाइट शिफ्ट की होगी। आइए देखते हैं एक मेडिकल स्क्राइबर की सैलरी कितनी होती है। तो स्टार्टिंग में आपको 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक मिलते हैं, लेकिन एक या दो साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी सैलरी 70,000 से 90,000 तक के बीच वेरी कर सकती है। मेडिकल स्क्राइबिंग की कुछ वैकेंसीज को मैंने लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसमें कंपनी के नेम को हाइड कर दिया है। स्टार्टिंग में इसमें सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 70,000 तक जाती है। इवन एक वैकेंसी में 99,000 भी दिखाई गई है। आपको बता दूँ मेडिकल स्क्राइबर्स की डिमांड साउथ के स्टेट में बहुत ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।